Welcome everyone. In this video, we will discuss about class 12, history, theme 15, that is framing the constitution, the beginning of a new era. So, देखिए, पिछले चैप्टर के अंदर हमने पार्टीशन के बारे में पढ़ लिया है और अब हम इसमें देखेंगे कि संविधान कैसे बना, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई. और आप सभी जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब से इफेक्ट में आया है, 26 जनवरी 1950, जो कि हमारा रिपब्लिक डे है. ठीक है, जो कि हमारा रिपब्लिक डे है. इज दैट क्लियर? एट इंडिपेंडेंस देखिए, इंडिया वॉज नॉट मेयरली लार्ज एंड डाइवर्स बट ऑल्सो डीपली डिवाइडेड. काफी डिविजन था यहाँ पर. फॉर वन थिंग इट सॉट टू हील वाउंड्स ऑफ द पास्ट. सब कुछ ये यहाँ पर देखते हुए, सभी कल्चर, सभी रिलीजन्स को देखते हुए, इन्होंने हमारा जो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, उन्होंने काफी स्टेप्स उठाए सो दैट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन ये एस्टेब्लिश कर सके. और आप सभी जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दिसंबर 1940 से लेकर दिसंबर 1949 तक बनाया गया. इसके अंदर काफी अमेंडमेंट हुए, काफी चेंजेस आए, काफी लोगों का यहाँ पर योगदान था. तो देखिए, यहाँ से हम शुरुआत करते हैं हमारे चैप्टर की. देखिए, लगभग यहाँ पर सीटिंग 165 डेज का ये रहा. एंड लेट्स स्टार्ट, देखते हैं फर्स्ट टॉपिक, दैट इज द ट्यूमल्टियस टाइम. देखिए, द ट्यूमल्टियस टाइम, द ईयर्स इमीडिएटली प्रोसीडिंग. देखिए, जो संविधान को बनाने के कुछ साल थे वो थोड़े से अजीब से थे, थोड़े से डिसअपॉइंटमेंट के थे. बिकॉज 15 अगस्त 1947 को इंडिया फ्री हुआ, लेकिन डिवीजन के साथ. ओके, जो हमारा पॉपुलर मेमोरी क्विट इंडिया स्ट्रगल ऑफ 1942 था, जहां पर मोस्ट वाइड स्प्रेड पॉपुलर मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश राज था, एज वेल एज बिड बाय सुभाष चंद्र बोस टू विन फ्रीडम, जो INA इन्होंने बनाया था, आर्म स्ट्रगल के द्वारा जो कोशिश किया गया था. एंड इवन मोर रिसेंट अपसर्ज इवोक्ड मच पॉपुलर सिंपैथी, दैट वॉज द राइजिंग ऑफ रेटिंग ऑफ द रॉयल इंडियन नेवी इन बॉम्बे एंड अदर सिटीज इन स्प्रिंग ऑफ 1946 में ये रॉयल इंडियन नेवी की रेटिंग्स को राइज किया गया. थ्रू द लेट 1940s देयर वाज पीरियोडिक स्कैटर्ड मास प्रोटेस्ट देखने को मिलता था. इन सब के बावजूद देखिए, हमारा 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना और हमने संविधान बनाना स्टार्ट किया. देखिए, वन स्ट्राइकिंग फीचर इन सभी पॉपुलर का स्ट्राइकिंग फीचर था कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी में थे. इन कॉन्ट्रास्ट, द टू लीडिंग इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज, द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग, हैड रिपीटेडली फेल्ड टू अराइव एट अ सेटलमेंट. अब लगातार आप सभी जानते हैं कि 1946 तक ये सेटलमेंट पर नहीं आ पाए मुस्लिम लीग और कांग्रेस. सो ये जो ग्रेट किलिंग कलकत्ता से स्टार्ट हुई थी 16 अगस्त 1946 को, लगभग एक साल तक ये चली. काफी यहाँ पर लगभग 16 महीने तक हम मान रहे हैं यहाँ पर चली ये. और इंडिपेंडेंस डे जो हमारा 15 अगस्त 1947 को आता है, यहाँ पर जॉय और होप के साथ जो हमारी लाइफ अंग्रेजों के टाइम पर गई उसको भूलते हुए, उनकी जो बेसिकली उस लाइफ को नहीं भूल रहे थे, उनके आइडियल्स को हम साथ लेकर चलते हुए ओके हम हमारा देश नया स्टार्ट करते हैं. बट बहुत सारे यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख पाकिस्तान जाते हैं, इंडिया आते हैं, ठीक है, उनको काफी क्रूशियल चॉइस फेस करना पड़ता है. ओके, उसके बाद देखिए, मिलियन ऑफ रिफ्यूजीज वर ऑन मूव. काफी लगभग ये माना जाता है कि 15 मिलियन रिफ्यूजीज मूव पर थे. अनदर स्कैर्सली लेस सीरियस प्रॉब्लम जो फेस की गई थी वो थी प्रिंसली स्टेट्स. देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट इसके बाद ये प्रॉब्लम आती है प्रिंसली स्टेट्स की. इस टाइम पर देखिए, लगभग 1/3 जो हमारा सब कॉन्टिनेंट था, वहां पर नवाब या महाराजा काम करते थे जो ब्रिटिश क्राउन की तरफ एलिजेंस थे, बट अदरवाइज लेफ्ट मोस्टली फ्री टू रूल. उनको फ्री रख दिया गया था कि आप जहां चाहे वहां जा सकते हैं, इंडिया या पाकिस्तान, द टेरिटरी एज द विश्ड. व्हेन द ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ दीज प्रिंसेस रिमेन्ड एम्बिग्यूस. तो बड़ा ही ये पेचीदा सवाल था कि ये अकेला रहना चाहेंगे, इंडिया पाकिस्तान में जाना चाहेंगे, क्या होगा. सो दिस वॉज द बैकग्राउंड इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मीट. तो इस प्रकार के बैकग्राउंड में देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मीट करती है. हाउ कुड द डिबेट विद असेंबली रिमेन इंसुलेटेड फ्रॉम वट वॉज हैपनिंग आउटसाइड. और डेफिनेट सी बात है, इस असेंबली के अंदर जो डिबेट होना था वो इन बातों को कैसे नकार सकता था जो बाहर हो रही थी, जो देश में चल रही थी. सो लेट स्टार्ट की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनती है. देखिए, ये प्रोविंशियल इलेक्शन जो 1946 में हुए थे उसकी वजह से चूज की जाती है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. मेंबर्स प्रोविंस से भी आते हैं और प्रिंसली स्टेट से भी आते हैं, और जो यूनियन को धीरे धीरे वन बाय वन जुड़ रहे थे. मुस्लिम लीग इसको बायकॉट करती है स्टार्टिंग की सीटिंग से. ओके, और यहाँ पर साफ दिख रहा था कि वन पार्टी शो अब रह गया था, जिसमें 82% ऑफ द मेंबर इसके अंदर कांग्रेस पार्टी के थे. हाउएवर देखिए, कांग्रेस खुद में ही ब्रॉड थी. यहाँ पर सेकुलर, एथिस्ट, एंग्लो इंडियन, बहुत सारे RSS, हिंदू महासभा, कुछ मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स, हर तरीके के लोग, जो रिलीजियस से लेके यहाँ पर अदर कम्युनिटीज के लोग यहाँ पर थे, ठीक है, जो अपने अपने राइट्स को डिफेंड कर रहे थे. वीमेन रिप्रेजेंटेटिव भी इस असेंबली में बिल्कुल प्रेजेंट थी. तो आगे देखते हैं,
The discussion within the constituent assembly were also influenced by opinion expressed by the public. और लोगों का जो ओपिनियन था उससे भी एक्सप्रेस था इनका कंस्टिट्यूएंट असेंबली के ओपिनियंस, बिकॉज धीरे धीरे सब कुछ न्यूज़पेपर में प्रपोजल्स वगैरह पब्लिकली डिबेट होते थे, क्रिटिसिज्म काउंटर क्रिटिसिज्म वगैरह किया जाता था. इन सब से एक्सपीरियंस लेके लीडर्स ने अपना पॉइंट रखा कंस्टिट्यूएंट असेंबली में, तब जाके हमारा संविधान प्रॉपरली तैयार हो पाया है. आगे देखिए, देवर हंड्रेड ऑफ रिस्पॉन्स आते थे, लॉ मेकर हैड टू अकाउंट, जो लॉ मेकर्स को देखना पड़ता था, जैसे ऑल इंडिया वर्ण श्रम स्वराज संघ बेस्ड इन कलकत्ता, आज देयर इज द कॉन्स्टिट्यूशन बी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल लेट डाउन इन एंशिएंट. उन्होंने कहा कि हमारा जो संविधान होगा वो हमारा जो पुराने कॉन्स्टिट्यूशनल हिंदू वर्क है उन पर डिपेंड होना चाहिए. इज दैट क्लियर? तो इन्होंने ये बात रखी. द प्रोहिबिशन, जैसे उन्होंने कहा कि प्रोहिबिशन ऑफ काउ स्लॉटर ये वगैरह बोला जाए. लो कास्ट ग्रुप्स ने डिमांड किया कि उनका इल ट्रीटमेंट, अपर कास्ट जो करती है उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए. लोकल बॉडीज ने लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी से अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच मांगा कि मदर टंग में हम बोल सकते हैं. सो देखिए, सबका अपना अपना एक डिमांड था. तो यहाँ पर बात करते हैं कि डोमिनेंट वॉइसिस के बारे में. देखिए, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उसमें नियरली 300 मेंबर्स थे. इनमें से देखिए 6 मेंबर प्लेड पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट रोल, जो कि जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद. इट वॉज नेहरू हु मूव्ड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन. सो एक क्वेश्चन आता है काफी बार एनडीए वगैरह में भी कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसने पास किया था. तो देखिए, ये पास किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा. ओके, और नेशनल फ्लैग का भी इन्होंने ही प्रपोज किया था. कि ये क्वेश्चन देखिए एनडीए में 2018 में आया हुआ है. जवाहरलाल नेहरू ने सेम टू सेम लाइन ये की, ये बिल्कुल ये की लाइन उठाई गई है 2018 के एनडीए के एग्जाम में. तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल फ्लैग को प्रपोज किया कि 3 स्टेप्स में होगा. पटेल जी ने क्या किया, देखिए बियॉन्ड द सीन ये काम कर रहे थे ड्राफ्ट करने में और अपोजिट पॉइंट्स को रिकॉन्साइल करने में. राजेंद्र प्रसाद जी का रोल था असेंबली के अंदर, जो पूरी डिस्कशन को स्टीयर अप कर रहे थे, आगे बढ़ा रहे थे. बिसाइड द कांग्रेस ट्रियो, इन तीनों के साथ देखिए कुछ इंपोर्टेंट लॉयर और इकोनॉमिस्ट भी जुड़े हुए थे, जैसे बी आर अम्बेडकर, बिकॉज पॉलिटिकल ओपोनेंट रहे हैं कांग्रेस के, और एडवाइस थी महात्मा गांधी जी की इनको शामिल किया जाए एज अ लॉ मिनिस्टर. उसके साथ देखिए कुछ सिविल सर्वेंट भी यहाँ पर थे, कुछ दो लॉयर्स भी थे, के एम मुंशी गुजरात से और अलादी कृष्ण अय्यर मद्रास से, जिन्होंने काफी यहाँ पर इनपुट्स प्रोवाइड किए ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में. द सिक्स मेंबर इन्होंने इनको असिस्ट किया गया था दो सिविल सर्वेंट्स के द्वारा. ये भी 2018 में एनडीए के एग्जाम में आया हुआ है. पहले थे बी एन राव, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जिन्होंने बैकग्राउंड पेपर्स तैयार किए, और सेकंड थे चीफ ड्राफ्ट्समैन एस एन मुखर्जी. तो दोनों नाम याद रखिएगा, बी एन राव एंड एस एन मुखर्जी. ओके, ऑफ होम, देखिए ऑफ होम अम्बेडकर सेड दैट हिज एबिलिटी टू पुट मोस्ट इंट्रिकेट प्रोपोजल्स इन द सिंपलेस्ट, ये बहुत ही मुश्किल प्रोपोजल्स को भी सिंपल टर्म्स में पुटअप कर देते थे. अम्बेडकर हिमसेल्फ हैड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गाइडिंग ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन. देखिए जो ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जो उसके चेयरमैन कौन थे भाई, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर. ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी इसके चेयरमैन थे. दिस टुक 3 ईयर्स, लगभग 3 साल लगे इसको कम्प्लीट करने में, 11 बल्कि वॉल्यूम्स को कन्वर्ट करने में. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर इलेक्वेंट इन एक्सप्रेसिंग देयर समटाइम्स वेरी डाइवर्जेंट व्यू. और देखिए सबके जो डाइवर्जेंट व्यूज थे वो भी अपना रखते थे सामने. ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस से बिलोंग करते थे तो ये सिर्फ एक ही व्यू पॉइंट रखते थे. ये अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करते थे, अलग अलग ये अपना कम्युनिटी से बिलोंग करते थे. लेट सी कि विजन क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन का विजन क्या होना चाहिए. देखिए ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ये पास हुआ 13 दिसंबर 1946 को बाय जवाहरलाल नेहरू. डेट याद कर लीजिएगा, 9 दिसंबर को असेंबली बनी थी, 13 दिसंबर को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया गया था. इसके अंदर देखिए फ्रेमवर्क बताया था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा. इसके अंदर बोला गया कि इंडिपेंडेंट सोवन होगा, रिपब्लिक होगा, सिटीजन्स को जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रीडम और एडिक्वेट सेफगार्ड मिलेगा माइनॉरिटीज को. देखिए बहुत ही अहम बात है, माइनॉरिटीज को, बैकवर्ड लोगों को, ट्राइबल लोगों को, प्लस डिप्रेस्ड एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस को. सो इस प्रकार का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ये बातें नेहरू जी ने रखी आगे. ओके, आगे देखते हैं. देखिए नेहरू की स्पीच मेरिट केयरफुल स्क्रूटनी, व्हाट एग्जैक्टली वाज बीइंग स्टेटेड हियर. यहाँ पर अच्छे से सोचना होगा कि क्या वो बोलना चाह रहे थे. व्हाट डिड नेहरू सीमिंगली नॉस्टैल्जिक रिटर्न टू द पास्ट रिफ्लेक्ट, व्हाट वाज ही सेइंग अबाउट द ओरिजिन ऑफ आइडियाज, जो ओरिजिन आए हैं आइडियाज से वो कहाँ से आए हैं. इन रिटर्न टू द पास्ट एंड रेफरिंग, देखिए अगर हम रेफर करते हैं अमेरिकन रिवोल्यूशन प्लस फ्रेंच रिवोल्यूशन से, तो हम देख सकते हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट मेकिंग जो इंडिया में हुई है उनसे अटैच है. ठीक है, फिर देखिए द मोमेंटस नेचर ऑफ इंडियन प्रोजेक्ट वॉज एम्फसाइज बाई लाइकनिंग टू इट रिवोल्यूशनरी मोमेंट इन द पास्ट, बट नेहरू वॉज नॉट सजेस्टिंग दैट दोज इवेंट्स वर टू प्रोवाइड एनी ब्लू प्रिंट फॉर द प्रेजेंट और दैट आइडिया ऑफ दोज रिवोल्यूशंस कुड बी मैकेनिकली बोरोड एंड अप्लाइड इन इंडिया. देखिए नेहरू जी का ये नहीं कह रहा था
कि कोई भी रिवॉल्यूशन हुई है उसको हम सीधा उठा के इंडिया पर अप्लाई करें तो इंडिया एकदम से बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएगा, नहीं। उनके सिर्फ कुछ आइडियाज लिए गए हैं जो लोगों के लिए एक बेसिक राइट का काम करेंगे। द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एस्टेब्लिश इन इंडिया हैड टू बी फिट इन विद द टेंपर। देखिए इन्होंने बोला कि हमारी सरकार कैसी होगी, इस प्रकार की सरकार होगी जिससे लोग वाकिफ हैं। देखिए हम किससे वाकिफ थे, हम ब्रिटिश सरकार से वाकिफ थे, तो इसलिए हमने ब्रिटिश टाइप ऑफ गवर्नमेंट अपनाया है सो दैट अजीब ना लगे लोगों को, थोड़ा सा मुश्किल उनको ना आए। हमने यहाँ पर कुछ लिबरल आइडियाज अपनाए जैसे इकोनॉमिक जस्टिस एंड कुछ नेहरू प्लान बताते हैं कि क्रिएटिव थिंकिंग अबाउट व्हाट वाज एप्रोप्रिएट फॉर इंडिया। अब यहाँ से हमें पता लगता है कि एप्रोप्रिएट क्या है इंडिया के लिए, काफी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में डिस्कस किया गया। अब देखिए लोगों की विल क्या थी, लोगों की इच्छा क्या थी। द कम्युनिस्ट मेंबर सोमनाथ लाहिरी कम्युनिस्ट सरकार के मेंबर थे, उन्होंने कहा ब्रिटिश सरकार का ये डार्क हैंड हमारे ऊपर हैंग कर रहा है, कंस्टिट्यूएंट असेंबली के ऊपर भी। उन्होंने अर्ज किया कि फ्री हो जाइए उस इंपीरियल रूल से, और विंटर्स ऑफ 1946-47 की आई, ब्रिटिश वर स्टिल इन इंडिया उस टाइम ब्रिटिशर्स थे। इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन जो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था बट इट कुड ओनली ऑपरेट अंडर डायरेक्शन ऑफ वॉइसरॉय। देखिए इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी के अंडर वो स्टार्ट होता है, लेकिन किसके कंट्रोल में, वॉइसरॉय के कंट्रोल में अभी भी था। लाहिरी एक्सोर्टेड हिज कलीग्स टू रियलाइज दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज ब्रिटिश मेड, उन्होंने कहा कि ब्रिटिश मेड है और ब्रिटिश प्लान्स के अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं। तो कुछ ऐसी बात नहीं है कि एक ही पॉइंट था, देखिए आपको साफ दिख रहा है यहाँ पर अलग अलग व्यू पॉइंट्स रखे गए थे लोगों के द्वारा। आगे देखते हैं, नेहरू एडमिटेड दैट मोस्ट नेशनल लीडर हैड वांटेड डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, भाई अलग अलग लीडर्स को अलग अलग टाइप का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए था। ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज हैड इन द हैड इन इट्स बर्थ एंड इट हैज अटैच सर्टेन कंडीशंस विद इन विच, देखिए ब्रिटिश सरकार ने इसको बनाया और कुछ कंडीशन इस पर लगाई कि इस कंडीशन के अंदर इसको काम करना है। ओके देखिए जैसा बोला गया, गवर्नमेंट डू नॉट कम इनटू बीइंग बाय स्टेट पेपर, गवर्नमेंट आर इन फैक्ट द एक्सप्रेशन ऑफ द विल ऑफ पीपल। इन्होंने बोला कि सरकार कागज से नहीं आती, सरकार आती है लोगों की विल से, उनकी मर्जी से, ठीक है। द कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाज एक्सपेक्टेड टू एक्सप्रेस द एस्पिरेशन ऑफ पार्टिसिपेंट हु वर पार्टिसिपेटिंग इन मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंस। तो देखिए माना गया था कि सभी लोगों की ये सुनेंगे, डेमोक्रेसी है जैसे इक्वालिटी है जस्टिस है, ये कुछ आइडियल्स बनेंगे जो सोशल स्ट्रगल हमने फेस किया है इंडिया ने 19th सेंचुरी में, जैसे चाइल्ड मैरिज का अपोजिशन, विडो रीमैरिज का, ये बातें भी यहाँ पर पुटअप की जाएंगी। जैसे वेन स्वामी विवेकानंद ने कैंपेन कर रहे थे हिंदुइज्म को रिफॉर्म करने के लिए, वो चाहते थे कि रिलीजन्स जस्ट रहें। वेन ज्योतिबाई फुले अपना सफरिंग डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए काम कर रहे थे, वो चाहते थे कि सबको इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस मिले। नेशनल मूवमेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट दैट वाज सीन ओप्रेसिव वाज स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी, बेसिकली ये स्ट्रगल था डेमोक्रेसी के लिए, जस्टिस के लिए, सिटीजन के राइट्स के लिए, तो इन सबको लेकर चलना जरूरी था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। अब देखिए कुछ रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर डिमांड भी रखी गई थी, नंबर ऑफ एक्ट आई थी 909 में 1935 में। यहाँ पर देखिए इंडियन पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो रहा था तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव को भी रिस्पॉन्सिबल धीरे धीरे किया जाता है 1919 में, एंड देर वॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, और इसके तहत देखिए 1937 में इलेक्शन भी होते हैं, कांग्रेस 8 प्रोविंसेस में पावर में आती है लगभग 11 में से, जो कि बहुत ही बड़ी बात थी। येट हम देख सकते हैं अनब्रोकन कंटिन्यूटी रही है बिटवीन अर्लियर कॉन्स्टिट्यूएंट डेवलपमेंट एंड व्हाट हैपेंड 3 इयर्स फ्रॉम 1946। वेल द देखिए स्टार्टिंग में जो कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपेरिमेंट थे वो रिस्पॉन्स था एक्ट्स का, जो अंग्रेजों ने एक्ट्स लगाई थी 09, 1919, 1935 में, बट इनको डायरेक्टली डिबेट नहीं किया गया एंड फॉर्मुलेटेड बाई इंडियंस, दे वर एनेक्टेड बाई कॉलोनियल गवर्नमेंट। और ये एक्ट देखिए कॉलोनियल गवर्नमेंट लगाती है ये जो तीनों एक्ट है यहाँ पर, इनमें देखिए इंडियंस का कोई रोल नहीं था, कॉलोनियल पावर ही लगाती है। और आप जानते हैं कि फ्रेंच जो हमारा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज था वो भी 10-15% के आसपास था। सो देखिए जो 1935 का एक्ट है वो ऑपरेट करता है कॉलोनियल रूल के अंडर, ओके, और रिस्पॉन्सिबल गवर्नर अपॉइंटेड, ये सिर्फ रिस्पॉन्सिबल गवर्नर रिस्पॉन्सिबल था सरकार के लिए जो कि ब्रिटिश सरकार थी उस टाइम पर। नेहरू क्या आउटलाइन करना चाहते थे कि भी कॉन्स्टिट्यूशन इंडिपेंडेंट होगा, सोवन होगा, रिपब्लिक ऑफ इंडिया रहेगा, यानी हम अंग्रेजों के अधीन नहीं रहेंगे। ओके थर्ड जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन था यहाँ पर वो था डिफाइनिंग राइट्स, कि जो राइट्स हैं लोगों के उसको डिफाइन हम कैसे करेंगे, ये बहुत ही अहम ये मुद्दा था यहाँ पर। देखिए राइट ऑफ इंडिविजुअल कैसे डिफाइन हो, ओप्रेस ग्रुप्स को क्या स्पेशल राइट्स देने चाहिए, माइनॉरिटीज़ को कैसे क्या मिलना चाहिए, कौन है माइनॉरिटीज़, ये कैसे डिसाइड हो। सो इन पर देखिए नेहरू ने इन्वोक किया कि विल ऑफ पीपल एंड डिक्लेयर दैट मेकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैड टू फुलफिल पैशंस दैट लाई इन द हार्ट ऑफ मासेस, कि लोगों की दिल की सुनना चाहिए उनको, हमें इंडिपेंडेंस डिफरेंट ग्रुप एक्सप्रेस कर रहे हैं जो ओपिनियन उनको सुनना चाहिए, उनकी डिमांड्स को सुनना चाहिए, डिबेट करना चाहिए एंड उनके लिए एक कंसेंसस एक बात लानी चाहिए असेंबली में, ठीक है। अब देखिए सेपरेट इलेक्टोरेट का जो प्रॉब्लम था बेसिकली रिजर्वेशन का मान रहे हैं। क्या होता है कि 27 अगस्त 1947 को पोकर बहादुर फ्रॉम मद्रास
प्ली करते हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट चलता रहे, माइनॉरिटी एग्जिस्ट करती हैं, इसलिए इन्होंने कहा कि सेपरेट इलेक्टोरेट रहेगा तो लोग खुश रहेंगे एंड यस एवरीथिंग विल बी फाइन। दूसरी तरफ देखिए, ओनली सेपरेट इलेक्टोरेट वुड एंश्योर दैट मुस्लिम हैड मीनिंगफुल वॉइस इन द गवर्नेंस ऑफ कंट्री। इसका मतलब ये होगा कि भी सिर्फ मुस्लिम लोगों को यहाँ पर गवर्नेंस में इलेक्टोरेट मिलेगा, बाकी कम्युनिटीज रह जाएंगी। द नीड फॉर मुस्लिम बहादुर फेल्ट कुड नॉट बी प्रॉपरली अंडरस्टूड बाय नॉन मुस्लिम। उन्होंने कहा कि मुस्लिम की नीड को नॉन मुस्लिम नहीं समझ सकता, ये कहना था एक पर्सन का। सेकंड देखिए, द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवोक्ड एंगर। यहाँ पर एंगर और डिसमे आता है नेशनलिस्ट लोगों के बीच में, रेंज ऑफ आर्ग्यूमेंट होती है, डिबेट होता है। मोस्ट नेशनलिस्ट कहते हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा सो दैट लोग डिवाइड हो जाए। ओके, जो अंग्रेजों ने गेम स्टार्ट किया, अब यहाँ पर हम इसको नहीं स्टार्ट कर सकते। पार्टीशन ने दिखा दिया है कि नेशनलिस्ट फर्वेंटली अपोज्ड, कि भाई हम बिल्कुल अपोज करते हैं नेशनलिस्ट आइडियाज को। देवर हॉन्टेड सिविल वॉर, जो राइट्स जो लड़ाई देखने को मिली इससे हॉन्टेड थे, ब्लडी शेड जो हुआ, जो ब्लड शेड हुआ उससे। ओके, आगे चलते हैं, देखिए काउंटरिंग द डिमांड। देखिए इसकी डिमांड को काउंटर करने के लिए गोविंद बल्लभ पंत बोलते हैं कि इट वॉज ओनली नॉट हार्मफुल फॉर द नेशन बट ऑल्सो फॉर माइनॉरिटीज। देखिए ये कह रहे हैं कि देश के लिए तो है ही खराब बट माइनॉरिटीज के लिए भी खराब है। दैट द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी वॉज टू बी जस्ट बाई कॉन्फिडेंस, कि भाई डेमोक्रेसी तभी मानी जाएगी जब लोगों में कॉन्फिडेंस है देश में रहने का, जब वो खुश है। इट जनरेटेड अमंग डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ही एग्रीड टू दैट एवरी सिटीजन इज फ्री स्टेट शुड बी ट्रीटेड नॉट ओनली हिज मटेरियल वांट बट आल्सो स्पिरिचुअल सेंस एंड मेजोरिटी कम्युनिटी हैज ऑब्लिगेशन टू ट्राई। देखिए पंत का कहना था कि मेजोरिटी कम्युनिटी की ड्यूटी बनती है कि वो उनको डिस्टर्ब ना करे माइनॉरिटीज को, प्लस उनकी रिस्पेक्ट करे। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं। बिहाइंड ऑल दिस आर्ग्यूमेंट वॉज द कंसर्न विद मेकिंग ऑफ यूनिफाइड नेशन स्टेट। यहाँ पे एक डर भी था कि क्या देश एक साथ रह पाएगा, बिकॉज आप जानते हैं आजादी तुरंत मिली थी, यहाँ पर प्रिंसली स्टेट्स का भी रोल था। सो पॉलिटिकल यूनिटी और नेशन बनाने के लिए जरूरी था सभी सिटीजन को साथ लेकर चलना। ओके, सभी की बात सुनना। द कॉन्स्टिट्यूशन वुड ग्रांट सिटीजन राइट। देखिए सिटीजन को राइट मिलेंगे बट सिटीजन हैड टू ऑफर देयर लॉयल्टी, उनको लॉयल्टी देना पड़ेगा स्टेट को। कम्युनिटीज वुड बी रिकॉग्नाइज्ड, उन कम्युनिटीज कल्चर के हिसाब से कल्चर राइट्स उनको मिलेंगे कि वो अपना कल्चर मेंटेन रख सकते हैं। पॉलिटिकल मेंबर ऑफ ऑल कम्युनिटीज हैड टू एक्ट इक्वल मेंबर ऑफ द वन स्टेट, लेकिन सभी को मिलकर इसी स्टेट का मेंबर रहना पड़ेगा, लॉयल्टी अपनी स्टेट से रखनी पड़ेगी। लेट अस रिमेंबर दैट इट इज द सिटीजन दैट मस्ट काउंट, इट इज द सिटीजन दैट फॉर्म्स द बेस ऑफ ऑल द समिट एक्सेट्रा। तो देखिए ये बातें बोली गई थी लीडर्स के द्वारा कि लोगों की सुनी जाए, उनका काम किया जाए। देखिए नॉट ऑल मुस्लिम सपोर्टेड द डिमांड, सभी मुस्लिम सपोर्ट नहीं कर रहे थे सेपरेट इलेक्टोरेट को। जैसे बेगम एजाज रसूल कहती थी कि सेपरेट इलेक्टोरेट वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है, ये माइनॉरिटी को आइसोलेट कर देता है मेजोरिटी से। बिकॉज 1949 में मोस्ट मुस्लिम मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वर एग्रीड दैट सेपरेट इलेक्टोरेट वर अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, तो यहाँ पर जरूरी है। आगे देखिए, वी विल नीड मच मोर देन दिस रिजोल्यूशन। तो देखिए ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के साथ साथ हमें और चीजें भी चाहिए, इस पर भी डिबेट हुआ। जैसे यहाँ पर एनजी रंगा बोलते हैं, सोशलिस्ट थे, पीजेंट मूवमेंट के पीजेंट्स के लिए काम करते थे। इन्होंने कहा कि माइनॉरिटी को इंटरप्रेट करें अगर हम इकोनॉमिक टर्म में, तो रियल माइनॉरिटी तो वो है जो गरीब है, जो डाउन ट्रोडन है, तो उनको कुछ मिलना चाहिए। यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से भी ऊपर उठ सकते हैं। देखिए उनका एम्प्लॉयमेंट की बात करें हम, उनको एसोसिएशन अलाउड करें, उनकी सिविल लिबर्टीज दें उनको हम, तो इस प्रकार से हम उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रंगा also drew attention to the gulf that separated the broad masses of Indians and those claiming to speak on the behalf of Constituent Assembly. Okay, देखिए रंगा जी ने काफी बातें रखी यहाँ पर peasants के लिए भी, जो downtrodden लोग हैं उनके लिए भी, यानी tribals के लिए भी इन्होंने अपना बात रखा। आगे देखते हैं, Singh spoke eloquently on the need to protect tribes. देखिए Singh ने कहा कि यस हम tribes को protect करेंगे, उनको ऐसा condition दिया जाए कि उनकी general population maintain रहे, उनको प्रोटेक्शन की जरूरत है काफी, बिकॉज उनके लैंड्स वगैरह को छीन लिया गया है, उनको फॉरेस्ट से निकाल दिया गया है एंड दे प्रिमिटिव बैकवर्ड है, इसलिए हमारी हेल्प की उनको सख्त जरूरत है। आगे देखिए, वी वर सप्रेस्ड फॉर थाउजेंड। अब कुछ लोग कहते थे कि हम सप्रेस्ड हैं, अब डिप्रेस्ड क्लासेस की बात आती है कि डिप्रेस्ड क्लासेस को कैसे राइट्स मिले कॉन्स्टिट्यूशन में, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए नेशनल मूवमेंट में अम्बेडकर ने डिमांड किया था कि डिप्रेस्ड क्लासेस को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए, बट महात्मा गांधी जी ने अपोज किया बिकॉज उनको लग रहा था कि अब हिंदू लोगों में भी आपस में क्या हो जाएगा, सेग्रीगेशन ये हो जाएगा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करे, कुछ मेंबर्स थे यहाँ पर डिफरेंट कास्ट के जो एम्फेसाइज कर रहे थे कि प्रॉब्लम अनटचेबिलिटी का उसको खत्म किया जाए, हमें प्रोटेक्शन मिले इसके अगेंस्ट। दे डिसेबिलिटी वर कॉज्ड बाय सोशल नॉर्म, बिकॉज सामाजिक ये इसकी वजह से इनको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था, तो इसलिए बहुत ही ज्यादा जरूरत है यहाँ पर। आगे देखते हैं,
वी हैव बीन सफरिंग बट आर प्रिपेयर टू सफर नो मोर, भाई हम और सफर नहीं कर सकते। नगप्पा पॉइंट करते हैं कि डिप्रेस्ड कास्ट आर नॉट इन माइनॉरिटी, लगभग 20-25% जो टोटल पॉपुलेशन है वो डिप्रेस्ड क्लासेस है। ओके सो डिफरेंटली मार्जिनलाइज्ड है, न्यूमेरिकली इनसिग्निफिकेंस है, दे हैड नॉट, उनको एजुकेशन नहीं मिल रहा, एडमिनिस्ट्रेशन में काम नहीं मिल रहा बिकॉज ऑफ सोशल इविल, इसलिए वो चाहते थे कि कुछ किया जाए। देखिए पार्टीशन के बाद वॉयलेंस, अंबेडकर टू नो लॉन्गर आर्ग्यूड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट, इन्होंने भी अंबेडकर जी ने भी सेपरेट इलेक्टोरेट को सपोर्ट नहीं किया बिकॉज ये वॉयलेंस दिखा पार्टीशन में, बट उन्होंने कहा कि अनटचेबिलिटी को अबोलिश किया जाए, हिंदू टेम्पल्स को ओपन किया जाए, सीट्स वगैरह रिजर्व की जाए और उनको जॉब्स में भी रिजर्वेशन मिले, इस प्रकार से रिजर्वेशन यहाँ पर स्थापित किया गया। अगला पार्ट है द पावर ऑफ द स्टेट। अब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में एक डिबेट चली थी कि जो हमारा स्टेट है उसकी क्या पावर्स होंगी, कितनी उसकी लिमिटेशंस होंगी। देखिए वन ऑफ द टॉपिक विगरसली डिबेटेड वाज द रिस्पेक्टिव राइट, सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या राइट होगा, स्टेट्स का क्या राइट होगा। देखिए जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि स्ट्रॉन्ग सेंटर होना चाहिए। ओके देखिए ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर 3 लिस्ट, इसी साथ देखिए ड्राफ्ट जब होता है कॉन्स्टिट्यूशन का वहां पर 3 लिस्ट यहाँ पर रखी जाती है ताकि लड़ाई ना हो आने वाले टाइम में, यूनियन स्टेट एंड कंकरेंट। सब्जेक्ट जो पहली लिस्ट में थे उस पर सिर्फ और सिर्फ सेंटर काम करेगा, सेकंड लिस्ट जो स्टेट है उस पर सिर्फ स्टेट काम करेगा, कंकरेंट में दोनों शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, इज दैट क्लियर। और आर्टिकल 356 के तहत बताया गया कि सेंटर पावर है कि वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ले सकता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो मैंडेटेड फॉर कॉम्प्लेक्स सिस्टम, एक फिजिकल फेडरलिज्म आए यहाँ पर, इकोनॉमिक टर्म्स में बात करते हैं अगर हम। देखिए यहाँ पर कुछ टैक्सेस को स्टेट को दिया गया जैसा कि कस्टम ड्यूटी है, कंपनी के टैक्स है, ओके और कुछ केसेस जैसे इनकम टैक्स है, एक्साइज ड्यूटीज है, इसको शेयर करेगा स्टेट के साथ, और कुछ है जैसे ई स्टेट ड्यूटीज, ये कंप्लीटली स्टेट ही संभालेगी। तो यहाँ पर देखिए फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी देखने को मिला है। द सेंटर इज लाइकली टू ब्रेक, अब कुछ लोगों ने कहा कि भाई के सनमथन ने मद्रास के जो ये लीडर थे इन्होंने स्टेट्स का राइट लिखते हुए कहा कि जो रीएलोकेशन हुआ है पावर का ये यहाँ पर स्टेट्स को स्ट्रेंथ नहीं मिल रही इतनी, तो इसलिए आने वाले टाइम में सेंटर टूट सकता है। और देखिए ऐसा ही हुआ, काफी सारी स्टेट्स बन गई, सेंटर देखिए नहीं टूटा है ऐसी बात नहीं है, लेकिन काफी सारी स्टेट्स मिल गई, स्टेट्स का डिवीजन यहाँ पर होता आ रहा है लिंग्विस्टिक बेसिस पर। ओके द फिजिकल प्रोविजन वुड इम्पोरिज द प्रोविंस सिंस मोस्ट टैक्सेस एक्सेप्ट लैंड रिवेन्यू हैड बीन मेड टू प्रिजर्व टू सेंटर, इन्होंने कहा कि देखिए आपने टैक्स ज्यादा नहीं दिया स्टेट को तो वो आने वाले टाइम पर आप पर निर्भर हो जाएंगे कम्प्लीटली एंड देट वुड क्रिएट अ प्रॉब्लम। ओके तो इस प्रकार की उन्होंने बातें रखी। देखिए अगेंस्ट में भी डिबेट हुआ है, देख सकते हैं आप सभी लोग कांग्रेस के थे लेकिन फिर भी अगेंस्ट में भी बोल रहे थे। वट वी वॉन्ट टूडे स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, देखिए कुछ लोगों ने कहा कि हमें चाहिए स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट जो इसके फेवर कर रहे थे, ठीक है, कि भी स्ट्रॉन्ग सेंटर की जो डिमांड थी उसके फेवर में कहा। अंबेडकर ने डिक्लेयर किया कि उनको स्ट्रॉन्ग और यूनाइटेड सेंटर चाहिए जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, देन सेंटर वी हैव क्रिएटेड, जो 1935 के एक्ट से जो सेंटर बना था उससे भी स्ट्रॉन्ग हो सो दैट वो सभी स्टेट्स को एक साथ रखे। तो इस प्रकार की डिबेट की गई, जैसे बिफोर पार्टीशन कांग्रेस एग्री करता था कि ऑटोनॉमी मिलेगा प्रोविंसेस को, लेकिन अब ऑटोनॉमी की बात नहीं है, मुस्लिम लीग जा चुका है, ओके उनका पाकिस्तान बन चुका है, तो यहाँ पर जरूरत है स्ट्रॉन्ग सेंटर की। देर वॉज ऑलरेडी यूनिटरी सिस्टम तो था ही जो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने लगा रखा था, बस थोड़ा सा हमें और पुश करना था सेंट्रलाइजेशन की तरफ सो दैट सभी स्टेट्स आपस में मिलकर रह सके। एंड आगे चलते हैं द लैंग्वेज ऑफ द नेशन, अब बात आई थी देखिए इंडिया में काफ़ी डाइवर्सिटी है, इंडिया में काफ़ी सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा विवाद चला इसके ऊपर कि भाई सेंटर हमारा जो बेसिकली नेशन है उसका लैंग्वेज क्या होगा। ओके तो इसके ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए जब यहाँ पर डिफरेंट लैंग्वेज है, डिफरेंट कल्चर है, तो कैसे एक लैंग्वेज हम बना सकते हैं। 1930 में क्या होता है, कांग्रेस ने कहा कि हिंदुस्तानी हमारी नेशनल लैंग्वेज हो सकती है। महात्मा गांधी ने कहा कि एवरीवन शुड स्पीक इन लैंग्वेज दैट कॉमन पीपल कुड अंडरस्टैंड, हिंदुस्तानी यानी ब्लेंड ऑफ हिंदी एंड उर्दू, उस टाइम पर ये पॉपुलर लैंग्वेज थी तो इनको बार बार पॉइंट में रखा जाता था। मल्टीकल्चरल लैंग्वेज महात्मा गांधी ने कहा वुड बी आइडियल लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन डाइवर्स कम्युनिटीज एंड इट वुड यूनिफाई हिंदू एंड मुस्लिम, और इसकी वजह से नॉर्थ साउथ हिंदू मुस्लिम सब यूनिफाइड रहेंगे। हाउएवर देखिए हिंदुस्तानी एज अ लैंग्वेज ये चेंज हो चुकी थी अब बिकॉज हिंदी और उर्दू में बंटवारा यहाँ पर हो गया था। अब देखिए संस्कृताइज जो हिंदी थी, संस्कृत वर्जन में जो हिंदी थी वो हमारे यहाँ बच गई थी, पचिंग ओल्ड वर्ड फ्रॉम पर्सियन और अरेबिक ओरिजिन से हमारे वर्ड थे। सो कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, लैंग्वेज एसोसिएट हो गई पॉलिटिक्स रिलीजियस आइडेंटिटीज के साथ। महात्मा गांधी कहते थे कि हिज फेथ इन कंपोजिट कैरेक्टर ऑफ हिंदुस्तान, उनको फेथ है हिंदुस्तानी के अंदर। अभी हिंदी का प्ली आता है सबसे पहले कि हिंदी को नेशनल लैंग्वेज क्यों ना बनाया जाए। देखिए स्टार्टिंग में आर वी धुलेकर होते हैं कांग्रेसमैन यूनाइटेड प्रोविंस से, ये एग्रेसिव प्ली करते हैं कि हिंदी को
लैंग्वेज बनाया जाए कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में। जब उनको बोला गया कि असेंबली में सभी इस लैंग्वेज को नहीं जानते, दुलेकर ने कहा पीपल जो इस हाउस में है टू फैशन अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया एंड डू नॉट नो हिंदुस्तानी आर नॉट वर्दी टू बी मेंबर, ओके दे बेटर लीव। तो इतनी यहाँ पर ये बात बोल दी गई तो हाउस यहाँ पर इस रिमार्क से थोड़ा टूट जाता है कि भाई हिंदी के लिए अब डिबेट स्टार्ट हो जाती है। इस ओकेजन पर देखिए पीस जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इंटरवेंशन से किया गया, उन्होंने कहा कि लैंग्वेज इशू कंटिन्यू टू डिस्टर्ब प्रोसीडिंग एंड एजिटेट मेंबर ओवर सब्सिक्वेंट थ्री इयर्स, और तीन साल तक ये मुद्दा चला लैंग्वेज का, ठीक है। ऑलमोस्ट देखिए तीन ईयर्स तक 12 सितंबर 1947 दुलेकर की जो स्पीच थी वो स्पार्क ऑफ हो जाती है। बाय नाउ लैंग्वेज कमेटी जो थी वो अपनी रिपोर्ट तैयार कर चुकी है एंड उन्होंने कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला एक बनाया सो दैट हिंदी को नेशनल लैंग्वेज एंड दोज हु अपोज्ड इट उनके बीच में एक डेडलॉक खत्म हो जाए। उन्होंने डिसाइड किया लेकिन डिक्लेयर नहीं किया कि हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट में ऑफिशियल लैंग्वेज होगा, बट ट्रांजिशन टू हिंदी वुड बी ग्रेजुअल। उन्होंने कहा कि पहले 15 साल तक इंग्लिश आप कंटिन्यू रखेंगे ऑफिशियल पर्पज के लिए, हर एक प्रोविंस अलाउड है अपना अपना एक रीजनल लैंग्वेज चूज करने के लिए प्रोविंस में, बाय रेफरिंग टू हिंदी एज द ऑफिशियल रेदर देन नेशनल लैंग्वेज। देखिए उन्होंने नेशनल नहीं बोला, ऑफिशियल लैंग्वेज बोला, तो इससे क्या है कि जो ये इमोशंस थे सबके बच गए, सबने इसको एक्सेप्ट कर लिया कि ऑफिस में हिंदी मर्जी है, आप अपना रीजनल लैंग्वेज भी चूज कर सकते हैं। दुलेकर वॉज नॉट वन हु लाइक्ड सच एन एटीट्यूड ऑफ रिकॉन्सिलिएशन, उनको चाहिए था हिंदी नॉट एज ऑफिशियल लैंग्वेज बट एज नेशनल लैंग्वेज। उन्होंने प्रोटेस्ट किया और फोर्स ऑन नेशन एंड मॉक डेट दोज हु सेड इन द नेम ऑफ महात्मा गांधी दैट हिंदुस्तानी रेदर देन हिंदी ओर टू बी द नेशनल लैंग्वेज। तो यहाँ पर काफी चला। अब देखते हैं फियर ऑफ डोमिनेशन। अब दुलेकर ने कहा, श्रीमती जी दुर्गाबाई फ्रॉम मद्रास, वो बोलती हैं दुलेकर के बाद कि डिस्कशन जो चल रहा है उसके हिसाब से दुर्गाबाई ने कहा कि हाउस दैट द अपोजिशन इन साउथ अगेंस्ट हिंदी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, कि साउथ में हिंदी का अपोजिशन काफी जोरों पर है, द ओपोनेंट्स फील करते हैं कि प्रोपोगेंडा जो हिंदी का है वो उनकी रूट्स को खत्म कर देगा। तो इस प्रकार की बातें शुरू की, लेट उन्होंने कहा कि मैन अदर ओबेड द कॉल ऑफ महात्मा गांधी एंड कैरी हिंदी प्रोपोगेंडा इन साउथ, लेकिन फिर भी कुछ लोग हिंदी का प्रोपोगेंडा लेकर साउथ में करते रहते हैं। जैसे जैसे डिस्कशन चलता है मैनी नंबर अपील आती है बॉम्बे से, श्री शंकरराव देव स्टेट करते हैं कांग्रेस मैन थे ये, कि फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी भी थे, ये बोलते हैं कि हिंदुस्तानी लैंग्वेज हो नेशन की, लेकिन उन्होंने वार्निंग दी कि इफ यू वॉन्ट एनी होल हार्टेड सपोर्ट, हिंदी के लिए अगर सपोर्ट चाहिए यू मस्ट नॉट डू एनीथिंग दैट मे रेज सस्पिशन, तो आपको ऐसा नहीं करना होगा जो सस्पिशन क्रिएट करे एंड विच विल स्ट्रेंथन माई फियर्स, जो किसी के डर को ज्यादा बढ़ाए। सो यस, देखिए ये अच्छी डिबेट यहाँ पर चली काफी। सो ये हमारा चैप्टर था, आप देख सकते हैं, आप इसका टाइमलाइन देख सकते हैं यहाँ पर अब किस प्रकार से इसको बनाया गया, एंड दिस वाज अवर थीम 15। और इसी के साथ देखिए हमारा क्लास 12th का हिस्ट्री का ये पार्ट ख़त्म हो जाता है, ठीक है। सो अगर आपको दोबारा से अपना एक रिवीजन करना है तो आप हमारे वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं, एंड यस लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें अगर वीडियो अच्छा लगा है तो, एंड थैंक यू एवरीवन।